हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शुभम कुमार जैन, मॉडर्न होम्योपैथी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में महिलाओं से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया था, जिसका मेनली था डिसमेनोरिया, आज भी मैं महिलाओं से रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगा। यह बच्चेदानी में जो गठान की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको लेकर बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं और आ रहे हैं मेरे पास। तो उस बच्चेदानी के गठान को हम अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी, तो बच्चेदानी में अगर कोई गठान आ जाए, जो कि एक नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, नॉन कैंसरस ग्रोथ इन द यूट्रस, नॉन कैंसरस कंडीशन ग्रोथ इन द यूट्रस, उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड। और उसी को हम हिंदी भाषा में या आम भाषा में बोलते हैं बच्चेदानी में गांठ आना। तो दोस्तों, ये आजकल की बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या है, जिससे कि महिलाएँ बहुत ज़्यादा जूझ रही हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉज की, ये होता क्यों है या क्या इसमें ऐसा कारण है जिसके कारण हमको यूट्राइन फाइब्रॉइड या बच्चेदानी में गांठ देखने मिल रही है। तो सबसे पहला कॉज इसका है हार्मोनल कॉज। तो हार्मोनल कॉज क्या है, इसमें अपन ने मेनली देखा है कि जो फीमेल्स के जो सेक्स हार्मोन होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये इसमें मेन रोल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इन सबको एक फैक्टर होता है या एक प्रमोट करने वाला एक हार्मोन होता है, जिसका नाम होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, इस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं, उसको प्रमोट करता है एक्सेसिव मात्रा में सीक्रेट करने के लिए। और जब ये हार्मोन्स एक्सेसिव मात्रा में सीक्रेट होते हैं, तो उस कंडीशंस के कारण कहीं ना कहीं एक फाइब्रॉइड, कहीं ना कहीं एक ग्रोथ निर्माण होती है, जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड, या उसी को हम बोलते हैं बच्चेदानी में गांठ। अब हम बात करते हैं और भी कुछ इसमें कॉज हैं, जैसे कि अगर वो फीमेल बहुत लंबे समय से बार बार किसी यूरिन या यूट्रस इन्फेक्शन से सफ़र कर रही है, तो उसके कारण कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये प्रॉब्लम्स बड़े होकर या बड़ा रूप लेके सिर्फ सीधा यूट्राइन फाइब्रॉइड का निर्माण करती हैं। इसमें कॉज के साथ साथ रिस्क फैक्टर हैं कि ये मतलब किन लोगों में ज़्यादा पाया जा सकता है। तो जैसे कि ओबेज पर्सन या ओबिसिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा है, ओबिसिटी वाली लेडी जो है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है ये देखने की। साथ में जो ड्रिंकर है, मतलब बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं, वो लेडी हो सकते हैं। और भी इसमें क्या है, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह है। और सेकेंड थिंग, जो लेडी है वो बार बार मल्टीपैरा, मतलब मेडिकल टर्म में मल्टीपैरा उस चीज़ को बोला जाता है, जो फीमेल होती है वो बहुत सारे बच्चों का मतलब जन्म दे चुकी है, जैसे कि 3 से 4 बच्चे उनके हो चुके हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टीपैरा। ये हो गया है कॉज रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स की। तो दोस्तों, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स ही बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और उसी कारण हम पता कर सकते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है या क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है, पहला सबसे बेहतरीन साइन होता है या बेहतरीन सिम्टम्स होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसमें जो मेंसेस होते हैं, और मेंसेस के टाइम जो ब्लीडिंग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव होती है। एक्सेसिव तो होती ही है, साथ में क्या होता है कि जो नॉर्मल पीरियड्स होता है या नॉर्मल जो ब्लीडिंग टाइम होता है फीमेल्स का या लेडीज का, वो 5 दिन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 7 से 8 दिन तक ब्लीडिंग लगातार देखने मिलती है। सेकेंड बात करेंगे हम, तो पेल्विक रीजन में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन को देखने मिलेगा लोअर एब्डोमेन की जगह पर। और बात करते हैं तो इसमें नौजिया भी पाया जाता है, वॉमिटिंग भी पाई जाती है। समटाइम्स जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसको खाली करने में उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। साथ ही साथ जब वो यूरिन करने जाती है, यूरिनेशन जो होता है वो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, मतलब बार बार उसको यूरिन लगती है। ठीक है, ये सिम्टम्स तो उसके पाए जाते हैं यूरिनरी यूट्रस रिलेटिव। अब कुछ बात करते हैं इसमें अदर सिम्टम्स, जैसे कि इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इसमें बैकेक और लेग पेंस भी पाए जाते हैं। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। अब बात करते हैं हम कि अगर ये सब साइन एंड सिम्टम्स लेके जब वो फीमेल्स हमारे पास आ रही है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है? तो हम नहीं कह सकते कि वो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, हो सकता है उसको कुछ और प्रॉब्लम्स हो। बट अगर हमें जानना है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड ही है, तो उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे कि यूएससी कराएंगे। यूएससी मतलब सोनोग्राफी अपन को कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जब सोनोग्राफी में हम कराएंगे, तो हम देखेंगे कि जो बच्चेदानी होता है या जो यूट्रस होता है, उसमें कहीं ना कहीं गांठ या फाइब्रॉइड्स पाए जाएंगे, जिसको हम डिफाइन करेंगे या डायग्नोसिस कर पाएंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस की, जो इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सारगर हैं। अब हम बात करते हैं पल्सेटीला, इसकी एक मेडिसिन है पल्सेटीला। पल्सेटीला इज बहुत ही बढ़िया फीमेल रेमेडी है,
ये क्या होता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए तो बहुत ही अच्छा एक्शन करती है, लेकिन इसको हम अगर इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पर भी मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। चेंजेबल मूड रहता है फीमेल का वो होगा, या फिर अपन बात कर सकते हैं कि अगर फीमेल्स जो है वो कोई भी मतलब अगर छोटी छोटी सी बात बता रही है, वो रो रो के बता रही है, तब हम पल्सिटीला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पल्सिटीला का हम 200 पोटेंसी जो है वो दिन में एक टाइम ये चला सकते हैं अपन रेगुलरली एक महीने तक। सेकेंड मेडिसिन की हम बात करेंगे तो इसमें मेडिसिन है थैलेसपीवर्सा। थैलेसपीवर्सा बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए, और साथ ही साथ एंटी हिमोरेजिक मेडिसिन है। एंटी हिमोरेजिक मेडिसिन है तो क्या होगा कि अपन ने जैसे कि इसमें देखा है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो उस कंडीशंस को देखते हुए हम थैलेसपीवर्सा दे सकते हैं। साथ ही एक और मेडिसिन की बात करूंगा मैं तो कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फीमेल के लिए। साथ ही साथ इसका हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन मेनली कैल्केरिया कार्ब में पाया जाता है। फेयर फैटी फ्लैबी, मतलब अगर कोई भी लेडी फेयर है, फैटी है, ओबेस है, इस टाइप की अगर कोई लेडी आती है और उसको ये प्रॉब्लम अगर होती है, तो हम उसके लिए बढ़िया कैल्केरिया कार्ब दे सकते हैं। 1 ml में देना चाहेंगे हम कैल्केरिया कार्ब, और इसको क्या करेंगे कि हर हफ्ते एक एक बार देना है इसको, हर हफ्ते में एक बार 1 ml पोटेंशियल देंगे अपन। ये चलाना है अपन को 1 से 2 महीने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसको देखने मिलेगा। मेडिसिन तो है ही, साथ में एक स्वाबी कंपनी का टॉनिक आता है जो कि यूट्रस से कोई भी प्रॉब्लम हो, यूट्रस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सायरप है। तो उसका नाम है हर्टॉन। हर्टॉन नामक सायरप है जो कि स्वाबी कंपनी का है। इसको हम 10-10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं और इसका रिजल्ट पा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको कोई भी और प्रॉब्लम्स आती है, इसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइएगा और अपना ट्रीटमेंट कराइएगा, और साथ ही साथ अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनको दिखाइएगा और रिजल्ट देखिएगा और बताइएगा कैसा क्या है। जय हिंद, जय भारत।